दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने धमाल कर दिया। टूर्नामेंट का यह पांचवा सीजन था जिसका फाइनल मुकाबला रविवार 23 जुलाई को हुआ। इस खिताबी मुकाबले में 2023 सीजन का फाइनल मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया जिसमें पाकिस्तान ए टीम ने भारत ए को 128 रनों से शिकस्त दी। इस तरह पाकिस्तान ने इतिहास में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान की टीम इस बार भले ही जश्न मना रही हो लेकिन वो भूल रही है कि टूर्नामेंट में पहले सीजन में भारतीय टीम ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान ने दूसरी बार खिताब जीता। बता दें कि इस मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप का पहला सीजन 2013 में सिंगापुर की मेजबानी में हुआ था। तब भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ही खिताब जीता था। उसके बाद लगातार दो सीजन 2017 में 18 में श्रीलंकाई टीम चैंपियन बनी थी। चौथा सीजन 2019 में बांग्लादेश की मेजबानी में हुआ था। तब फाइनल में पाकिस्तान ने मेजबान बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था। 2019 के बाद कोरोना के कारण यह टूर्नामेंट नहीं हो सका था। अब पाकिस्तान ने दूसरी बार खिताब जीत लिया मगर पहले सीजन में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था। 2013 सीजन में दो बार पाकिस्तान को हराया था। पहला सीजन सिंगापुर के मेजबानी में 2013 में हुआ था। तब भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था। उस मैच में सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 3 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। तब तेज गेंदबाज संदीप वारियर 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की टक्कर फाइनल में हुई थी। तब पाकिस्तान के कप्तान हम्माद आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। इस फाइनल में जसप्रीत बुमराह को मौका नहीं मिल सका मगर बाकी गेंदबाज खतरनाक तरीके से टूट पड़े और पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। वो 47 ओवर में 159 रनों पर ही सिमट गई।